जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने पिछले हफ्ते औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी यानी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पद के लिए नियमित और बैकलॉग भर्ती की परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा में आरोप है कि नियमों की अनदेखी की गई और एक से अधिक ट्रेड की परीक्षा में दर्जनों अभ्यर्थी शामिल हुए। ऐसे अभ्यर्थी शामिल हुए जिनके नाम समान है, जन्मतिथि समान है और पिता का नाम भी बिल्कुल एक जैसा है, जबकि औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी नियुक्ति परीक्षा के विज्ञापन के क्रम संख्या 13 ब्रैकेट में 7 में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन फॉर्म जमा करता है तो उसके लास्ट एप्लीकेशन को, अंतिम आवेदन को ही लीगल माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, वैध माना जाएगा। साथ ही पहले जमा किए गए सभी ऑनलाइन फॉर्म्स को रद्द कर दिया जाएगा। इसी नियम के तहत जेएसएससी ने कार्रवाई भी की और 17 नवंबर को वैसे 50 उम्मीदवारों के फॉर्म रद्द किए गए जिनके नाम समान थे, पिता और जन्मतिथि भी समान थी और एक से अधिक आवेदन उन्होंने दिए थे। लेकिन इसके बावजूद दर्जनों ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने में सफल रहे हैं जिनके नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम समान था। दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी के कुल 930 पदों के लिए 27, 28 और 29 नवंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें नियमित के 904 और बैकलॉग के 26 पद शामिल हैं। ऑल झारखंड CITS CTI प्रशिक्षणार्थी संघ ने जेएसएससी से समान नाम वाले एक से अधिक परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की पहचान कर उनकी दावेदारी रद्द करने की मांग की है। संघ ने कहा है कि एक परीक्षा में एक नियम रहने से ही प्रतिभागियों को न्याय मिल पाएगा। संघ ने कुछ परीक्षार्थियों की सूची भी आयोग को भेजी गई अपनी शिकायत में दी है। इनमें सत्येंद्र प्रसाद है जो परीक्षा केंद्र अरुणिमा टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में परीक्षा दी थी, उन्होंने 27, 28 और 29 नवंबर को। दूसरे हैं मनोहर लाल जिनके पिता का नाम साधु चरण प्रसाद है, 28 और 29 नवंबर को दो परीक्षाओं में शामिल हुए। तीसरे जुल्फिकार अली हैं जिनके पिता का नाम मोहम्मद शमशुद्दीन है, वे 28 और 29 नवंबर को परीक्षा में शामिल हुए। चौथे सौरभ कुमार जिला गोड्डा, इन्होंने तीनों दिन परीक्षा लिखी है। पांचवे हैं कौशल कुमार, बिहार के रहने वाले हैं, 27 और 29 नवंबर को परीक्षा में शामिल हुए। छठे विकास कुमार, बिहार के रहने वाले हैं, 27 और 29 नवंबर को परीक्षा में शामिल हुए। सातवें हैं सूरज साहा, ये भी बिहार के हैं और ये भी 27 और 29 नवंबर की परीक्षा में शामिल हुए। आठवें हैं पंकज साह, 27 और 29 नवंबर को बैठे। नवे हैं अखिलेश कुमार, 27 और 29 नवंबर को परीक्षा में शामिल हुए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि विरोध करने वाले परीक्षार्थियों का इस बारे में क्या कहना है। मैं नीलकमल भगत, झारखंड आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा का अभ्यर्थी हूं। सर, बात दरअसल ऐसा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विगत दिनों 27, 28 एवं 29 नवंबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें यह पाया गया कि एक अभ्यर्थी एक से अधिक दिनों में यानी कि विभिन्न व्यवसायों में परीक्षा देते हुए वो लोग पाए गए, और जो ये जेएसएससी के गाइडलाइन के अनुसार एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि जेएसएससी का गाइडलाइन में स्पष्ट ये जिक्र किया गया था कि एक अभ्यर्थी सिर्फ एक ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। अगर एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन अप्लाई करते हैं तो उनका अंतिम आवेदन को ही स्वीकार माना जाएगा, लेकिन ये देखा गया कि जेएसएससी द्वारा एक से अधिक आवेदनों पर एडमिट कार्ड भी जारी किया गया और वे सभी छात्र परीक्षा देते हुए भी नजर आए। क्योंकि मैं खुद एक डिप्लोमा मैकेनिकल अभ्यर्थी हूं और मैं खुद एक से अधिक पदों के लिए योग्य हूं, और मैंने जेएसएससी ऑफिस जाकर खुद मतलब पूछताछ भी किया कि हम एक से अधिक आवेदन कर सकते हैं, तो जेएसएससी द्वारा साफ स्पष्ट बोला गया था कि नियमावली में सिर्फ एक ही आवेदन करने का बात कहा गया है और आप एक ही आवेदन कर सकते हैं। तो चूंकि हम सभी झारखंड के जितने भी छात्र हैं अभ्यर्थी, वो लोग सारे जेएसएससी के गाइडलाइन अनुसार मात्र इस वैकेंसी के लिए मात्र एक ही आवेदन दिए, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं
जो एक से अधिक पदों पर आवेदन अप्लाई किए और बकायदा जेएसएससी जो है उनका कुछ लोगों का एक से अधिक आवेदन के नाम पर 50 लोगों का आवेदन रद्द भी किया, उसके बावजूद भी मामला ये सामने आ रहा है कि एक से अधिक आवेदन किए गए अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड भी जारी किया गया और वो लोग एक से अधिक व्यवसायों की परीक्षा में शामिल भी हुए। तो मैं जेएसएससी से ये कहना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार की मामला है तो या तो आप पहले ही बोल देते कि आप लोग सभी कोई एलिजिबल हैं सभी पोस्ट के आवेदन के लिए। इस परीक्षा में आप सुने होंगे कि बहुत मतलब बीच बीच में धांधली की खबर भी आ रही थी और इस तरह का जो भी मामला आ रहा था इस परीक्षा के रिगार्डिंग हम लोग सारा चीज को जेएसएससी को अवगत कराते गए हैं, चाहे वो धांधली का मामला हो चाहे इस तरह का जो एक से अधिक आवेदन की मामला हो, हम लोगों ने बकायदा जेएसएससी को पत्र के माध्यम से सारी चीजों को अवगत करा दिए हैं। अब देखते हैं कि जेएसएससी इस पर क्या कार्रवाई करती है और जेएसएससी से तो मेरा यही कहना होगा कि जेएसएससी इस पर कुछ कार्रवाई करे और ऐसे अभ्यर्थियों की जो पात्रता है उसको रद्द करे। ये जो भी मिस्टेक है, जहाँ से भी मिस्टेक है, एजेंसी के द्वारा मिस्टेक है या चयन आयोग के द्वारा जो भी सॉफ्टवेयर में दिक्कत है उसको त्रुटि करे, जो त्रुटि हुई है उसको निराकरण करे। मैं अभ्यर्थी जो आवेदन किए हैं उनकी आवेदन को मैं रद्द नहीं करने बोल रहा हूँ, हमारा यही मांग है कि जो जिनविन है जो अंतिम आवेदन है उनको स्वीकार करे, उससे पहले कि जो आवेदन जो अगर किया हुआ है अगर वो परीक्षा भी बैठा है उनकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाए, क्योंकि जो पालन किया गया है उसके विरुद्ध काम हुआ है। समान नाम, समान फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ जिनका सभी समान मिलता है, वैसे अभ्यर्थियों की एक से अधिक आवेदन अगर किए हैं तो उनकी केवल और केवल अंतिम अभ्यर्थिया आवेदन को ही स्वीकृत किया जाए, उसके अलावा जितने भी हैं उन सभी को रद्द किया दिया जाए। जो भी तो परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से पूछा है कि समान नाम के आधार पर जब 50 अभ्यर्थियों की दावेदारी रद्द कर दी गई थी तो इसके बावजूद समान नाम वाले अभ्यर्थी एक से अधिक परीक्षा में शामिल होने में कैसे सफल हो गए। संघ ने कहा है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। अब देखना है कि जेएसएससी इस मामले में और इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो वैसे हजारों छात्रों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए फॉर्म भरा था। दूसरी तरफ सचिवालय आशु लिपिक परीक्षा के अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर आंदोलन छेड़ रखा है। दिसंबर 2022 में नियोजन नीति रद्द होने के बाद आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा को उस समय रद्द कर दिया गया था जब अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे। अभ्यर्थियों की ओर से ट्विटर पर 4 दिसंबर से #JSSCSachivalayStenO जारी करो अभियान चलाया गया है। इस अभियान में हजारों की संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया और कई लोगों ने इसे ट्विटर पर शेयर भी किया है। आंदोलन करने वाले छात्रों का कहना है कि जेएसएससी की ओर से 21 अप्रैल 2023 को विज्ञापनों के लिए तैयार किए गए परीक्षा कैलेंडर में भी सचिवालय आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर की परीक्षा का जिक्र नहीं है, जबकि सभी तरह की रद्द परीक्षाओं के लिए विज्ञापन निकालने की तिथि प्रकाशित है और ज्यादातर परीक्षाएं ली जा चुकी हैं। जून 2022 में रद्द की गई आशु लिपिक परीक्षा का इसमें जिक्र नहीं है। ट्विटर पर इस अभियान को चलाने के पहले छात्रों ने कई बार कार्मिक सचिव से मिलने का प्रयास किया लेकिन प्रयास उनका सफल नहीं हो पाया, कार्मिक सचिव से मुलाकात नहीं हो पाई, अधिकारी मिलने से कतराते हैं, ये भी छात्रों का आरोप है और ये कहते हैं कि बार बार अभ्यर्थियों को मिलने की तारीख पर तारीख दी जाती है, अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है और उनका यह भी कहना है कि उनका पूरा भविष्य इस फैसले पर निर्भर करता है और अधिकारी बस टाले जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमने इस बार ट्विटर पर आंदोलन चलाया है, अगर इसी तरह हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जाता रहा तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। छात्रों ने जो हैशटैग बनाया है जेएसएससी सचिवालय स्टेनो जारी करो, उसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री चंपई सोरेन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सरीखे नेताओं को भी उसमें टैग किया है। अलग अलग मीम्स भी छात्र डाल रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि सोशल मीडिया पर जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसका सरकार पर असर पड़ेगा और जल्दी सचिवालय स्टेनो की वैकेंसी आएगी। अब देखना यह भी है कि छात्रों के सोशल मीडिया आंदोलन का सरकार पर कोई असर पड़ता है या नहीं, क्योंकि सरकार के अधिकारी तो छात्रों से
मिलने से भी कतराते रहे हैं। तो परीक्षा को लेकर ये दो बातें थी, आपसे शेयर करनी थी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।